अखिल भारतीय हिंदू महासभा एक राजनीतिक पार्टी है जो निरंतर अपने समुदाय के लिए कार्यरत है, जिसका उद्देश्य अपने धर्म के प्रति समर्पित होकर मानव हित के पथ पर चलकर पूरे देश में अपना परचम लहराना है। इसके साथ ही जरूरतमंद व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा फंड योजनाएं भी बनाई गई हैं, जिसका लाभ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिससे जरूरतमंदों को कुछ सहायता प्रदान की जा सके। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिएगा, जो आपकी पार्टी है इसका एक संक्षिप्त परिचय आप हमारे जो भी दर्शक है उनको दे दीजिए। जी जी, मैं मुकेश मणि मिश्र, लखनऊ महानगर अध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू महासभा पार्टी से बिलोंग करता हूं। और हमारे राइट साइड में कार्यकारी अध्यक्ष महोदय सुनील कुमार सिंह जी, चंद्रमौली शुक्ला जी महामंत्री, अश्वनी कुमार गुप्ता जी उपाध्यक्ष, और भावी और भी अन्य पदाधिकारी बैठे हुए हैं। हमें अपनी पार्टी का परिचय दे दूं। हमारी पार्टी का गठन 1915 में हुआ था पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, और शहीद भगत सिंह इसके कवि उपसभापति थे, बल्लीराम हेडगवार जी उपसभापति थे इसके, दिग्विजय नाथ हमारे पार्टी के सांसद रहे हैं, अवैधनाथ जी हमारे पार्टी से सांसद रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी कई बार हमारे पार्टी से सांसद चुने गए हैं, आज बीजेपी के टिकट से जीत करके मुख्यमंत्री बने हैं। मैं हिंदुत्व का प्रबल समर्थक हूँ, हिंदुत्व की ही बात करता हूँ, और पूरी पार्टी हमारी पार्टी में कोई भी एक भी ऐसा सदस्य नहीं है जो विधर्मी हो, ना ऐसा कोई सभा है ना प्रकोष्ठ है। तो हम हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, और उसी को आगे बढ़ाने से संबंधित प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। आगे और कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हैं। सर, किस तरीके से आपकी ये पार्टी कार्य कर रही है और किस तरीके से समाज में लोगों के हित के लिए आगे बढ़ रही है? जी, मैं इस पे थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा। हमारी अखिल भारत हिंदू महासभा हर स्तर से कमज़ोर वर्ग, जो हिंदुओं में कमज़ोर वर्ग है, उसके लिए भी काम कर रही है। मैंने एक योजना बनाया है कि हर हिंदू 1 रुपया रोज जमा करेगा, और उसके लिए फंड का गठन मैं कर रहा हूँ, एक अकाउंट भी खुलवा रहा हूँ ऑनलाइन, जो लोग उसमें 1 रुपया रोज डालेंगे, और यह इस फंड से जिसके पास घर नहीं है या पढ़ने का व्यवस्था नहीं है, वो सब व्यवस्थाओं को मैं दुरुस्त करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा, और ये व्यवस्था जो है बढ़ते बढ़ते विस्तारित होकर के अन्य राज्यों तक भी जाएगा, ये मेरा उद्देश्य है। आपने कहा कि ये जो पार्टी है आपकी, ये काफ़ी पुरानी रही है और बहुत ही माननीय लोग और बहुत ही जो एक दिग्गज लोग हैं वो लोग इस पार्टी के सदस्य पहले भी रह चुके हैं, तो ये इतिहास में किस तरीके से वर्क कर रही थी पहले, जो आज इस समय इसको दोबारा से गठित करना पड़ रहा है और दोबारा से इसको वापस एक कार्यकारिणी गठित करके आगे लोगों तक पहुँचाई जा रही है? जी जी, अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पार्टी को तोड़ने के लिए, इस पार्टी को गर्त में डालने के लिए विधर्मियों द्वारा बहुत तरह के प्रक्रिया अपनाया गया, जैसे फंडिंग के माध्यम से कुछ किसी को फंडिंग कर दिया गया, उस पोस्ट तक आया, पार्टी को वहाँ गर्त में ले जाने का वो काम किया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। पूर्व में भी जैसे हमारे वीर सावरकर जी थे, उनको काला पानी का सजा उसी समय हो गया जब पार्टी का जो है रजिस्ट्रेशन होने जा रहा था। तो हिंदुत्व आगे बढ़े इसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं अपनाई गई हिंदुओं के द्वारा, और इस संगठन के जितने भी पदाधिकारी थे, सदस्य थे, उनके द्वारा बहुत प्रयास किया गया, लेकिन विधर्मी उस समय पावर में थे, सत्ता में थे, इस पार्टी को आगे आने से रोकने के लिए तरह तरह के उपाय किए, तो इसलिए पार्टी जो है, फिर भी इस पार्टी को जितने भी पदाधिकारी थे वो संघर्ष करते करते यहाँ तक आए हैं, और पूर्व में जो है कुछ अराजक तत्व भी पार्टी के शिखर तक पहुंच गए, जिन्होंने पार्टी को गर्त में ले जाने का कार्य किया था, तो 7-7 जो है अध्यक्ष बन गए, और उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चलने लगा, तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमारे स्वामी त्रिडंडी जी महाराज को नियुक्त किया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर, और उन्होंने इस सभी प्रदेशों के कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भी उन्होंने भंग कर दिया, और उसके बाद नई कार्यकारिणी का गठन हुआ केंद्र में और सभी प्रदेशों में,
और सभी प्रदेशों के जिलों में भी कार्यकारिणी का गठन हुआ, नए जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए। अब मेरा मानना है कि बहुत जोर शोर से अखिल भारत हिंदू महासभा हिंदू हित की बात करती है, हिंदू हित की काम करने में अग्रसित है, बहुत जोर शोर से, बहुत ताकत के साथ। हिंदू हित के लिए बहुत सारी पार्टी और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं जी। तो आपकी पार्टी में ऐसा क्या अलग है और क्या उद्देश्य को लेकर के ये चल रही है जो हिंदुओं में एकता को बढ़ावा देगी? जी जी, अभी मैं आपको थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालूंगा कि जितनी भी हिंदू हित की बात करने वाली पार्टियां हैं उसमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है। जो हमारे पार्टी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का कोई नामो निशान नहीं है, ना ही हम भविष्य में ऐसा करेंगे, ना होने देंगे। ये हमारे पार्टी का उद्देश्य है। हमारे पार्टी में सिर्फ और सिर्फ हिंदू हिंदू ही रहेगा। और हमारे पार्टी का यह नारा ही आप पीछे देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, चाहे किसी भी वर्ग विशेष से हो, किसी भी जात विशेष से हो, वो हमारा भाई है। इसलिए हमारा ये नारा है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो हम हिंदुओं के हित की बात करते हैं, हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, और हिंदू भी सनातन धर्म से ही आता है, सनातन धर्म से ही हिंदू शब्द भी निकला है। तो हमारा मानना है कि सनातन संस्कृति जो है बहुत पुरातन संस्कृति है, आज की संस्कृति नहीं है। और हमारे देवी देवता, मैं ये आगे दो शब्द जोड़ूंगा अपनी तरफ से, आपने पूछा नहीं है फिर भी मैं कहूँगा कि हमारे जितनी भी देवी देवता हैं सबके हाथ में कोई न कोई अस्त्र है, शस्त्र है ना, कोई न कोई हथियार है। तो हमारे सभी हिंदुओं के हाथ में भी और घरों में भी हथियार जरूर होना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। हम किसी से लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए अपने घरों में हथियार होना चाहिए, अपने हाथों में भी हथियार होना चाहिए। तो इसमें बैन क्यों है? इसके लिए हमारी लड़ाई है कि हिंदुओं को जो है हथियार रखने की इजाज़त दी जाए अपनी सुरक्षा जो है करने के लिए। तो आप अपने अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो आपकी पार्टी है, आप अपनी पार्टी की तरफ से जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या एक संदेश अपनी पार्टी की तरफ से देना चाहेंगे, वो संदेश आप दे दीजिए। जी, मैं संदेश देना चाहूँगा, सबसे ज्वलंत मुद्दा है लव जहाद का। हॉलीवुड के बॉलीवुड के माध्यम से तरह तरह की फिल्मों को बना करके और परोसा जा रहा है, जिससे आकर्षित होकर हमारी बहू बेटियाँ, हमारी लड़कियाँ जो है ना, ये जो है लव जहाद में फंस जाती हैं। वहाँ फंडिंग होती है, फंडिंग के माध्यम से फंसाया जाता है इनको, और उसके बाद उनको इस काबिल कर दिया जाता है कि वो ना हिंदू में रहती है ना मुसलमान में रहती है, मुसलमान छोड़ देता है और हिंदू अपनाता नहीं है। तो मैं एक संदेश देना चाहता हूँ समाज को कि सभी लोग सनातन संस्कृति का ही संस्कार अपने बच्चों में दें, बच्चे को छोटे से ही ऐसा संस्कार दें कि अदर धर्म के प्रति आकर्षित ना हो, और ऐसा कोई जो कुकृत्य है जिस समाज में उसके तरफ इनका आकर्षण ना बढ़े, बल्कि सनातन संस्कृति के तरफ इनका ध्यान हो और सनातन धर्म हिंदू धर्म के तरफ इनका जो संस्कार है वो पूर्णतः इनमें आए। तो वो जब ही हो सकता है जबकि हम छोटेपन से, जैसे देखा जाता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर में नहीं जाते हैं, अपनी संस्कृति को नहीं मानते हैं, कमाने और खाने में लगे रहते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि सभी जन जन, मतलब हिंदू के जन जन तक ये बात जाए, ये बात पहुँचे कि सनातन संस्कृति को वो अपने बच्चों को समझाएं, बताएं कृष्ण भगवान कौन थे, श्री राम जी कौन थे, और भी लोग देवी देवता, उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र क्यों होता है। हम बच्चे को हथियार भी चलाना सिखाएं ताकि हमारा बच्चा अगर अकेले पड़ जाए, 10 लोगों के बीच में घिर भी जाए तो वहाँ से बच के निकल जाए और उनको धराशाई करके आए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम चल रहे हैं। एक बहुत बृहद तरीके से मैंने योजना बनाई है लखनऊ महानगर में, और उस तरह गुरुकुल का भी व्यवस्था किया जा रहा है। जैसे हमारे अभी मुकेश जी हैं, इनको भावी प्रवक्ता के तौर पे है ना, हमने मनोनीत करने का निश्चय किया है, बहुत जल्द ये सब भी हो जाएगा। तो हमारी टीम की ये योजना है कि ये गुरुकुल का जो है निर्माण किया जाए, और उसमें बच्चों को ये सांस्कृतिक शिक्षा, वेद से संबंधित शिक्षा, संस्कार से संबंधित शिक्षा दी जाए, इस पे हम काम करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल किया, जो आपकी ये पार्टी है ये आने वाले चुनाव में भी अग्रिम रूप से आगे चुनावी दंगल में दिखाई देने वाली है? बिल्कुल। तो ये किस तरीके से आगे आप चुनावी रणनीतियों को तैयार कर रहे हैं? चुनाव के लिए अभी तो मैं महानगर में हूँ, प्रदेश का कार्यभार मेरे पास नहीं है, लेकिन महानगर में मैं सभी जितने भी वार्ड हैं महानगर में,
सभी वार्डों में अध्यक्ष की नियुक्ति करने जा रहा हूँ और सभी वार्ड अध्यक्षों के नीचे जो है कार्यकारिणी का गठन होगा और उस कार्यकारिणी के माध्यम से जो है चुनाव की प्रक्रिया की तैयारी किया जाएगा। भारत माता की जय। हिंदू महासभा जिंदाबाद। जिंदाबाद। हिंदू महासभा जिंदाबाद। जिंदाबाद। हिंदू हिंदू भाई भाई। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। हाँ, अखिल भारत हिंदू महासभा जो है एक राजनीतिक पार्टी है और ये पार्टी हिंदू हित में कार्य कर रही है, हिंदू संस्कृति से संबंधित कार्य कर रही है और बहुत जल्द लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में ये संदेश जाने वाला है कि अखिल भारत उस परचम को लहराएगी जिसके लिए ये जानी जाती है। ये अखिल भारत हिंदू महासभा सदैव ही मानव हित की बात करी है और पूरे संसार को अपना कुटुंब मानती है, अपना परिवार मानती है। संसार में कोई ऐसा धर्म ऐसी संस्कृति नहीं है जो पूरे मानव जाति को अपना कुटुंब मानता हो, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है। एक भी धर्म अगर इस तरह का है कि सभी धर्मों के लोगों को अपना कुटुंब मानता हो, कोई ऐसा धर्म बता दीजिए, एक भी इस संसार में कोई ऐसा धर्म है, कोई ऐसा संस्कार बता दीजिए जो पूरे मानव को अपना कुटुंब अपना परिवार मानता हो, नहीं ना। तो सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो पूरे संसार के मानव को अपना परिवार मानती है, अपना कुटुंब मानती है। अखिल भारत हिंदू महासभा उसी संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसित है, इसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।